वफा देखी, इराज खराने की सबसे छोटी बेटी है, और मैंने सुना है कि इसके गुरु महान हकीम केंद्रा है, जो महान शहर के हकीम एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन है। मेरे ख्याल से राजकुमारी जरूर हकीम कॉम्पिटिशन के लिए यहाँ आई हुई है। वैसे इसकी उम्र तो ज्यादा नहीं लगती, लेकिन इसके बावजूद ये कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई है। ओ वही दे भी गया तू ही ओ वही दे तेरे अपने ना ओ वही अपना मरो आया ना वही गया ना इसी दिन तभी उस पापल कलर की फ्रेश पैनी लड़की को देखकर सबने बड़ी बंद खुद से कर कुछ नहीं किसी से चिका इधर रास्ता फिर हो जाना नहीं ना ओ वही दे रास्ता किधर बुलाने नहीं करते ইমরান দোকান ফেল ইমরান দোকান কুনসুম বন্ধ করে কুনসুম চালু করে কোনো গ্যারান্টি নেই মসজিদে দিয়ে যাও মসজিদে কোন মসজিদে মসজিদ ভাইয়া দিল সকাল আইতিস সকাল তো হেন্দাই হান না अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। वही पश्चिमी हिस्से में खड़े सैनिकों ने जैसे ध्रुव को आते हुए देखा तो उन्हें हकीम लुका की बात याद आई और उन्होंने इस बार ध्रुव को देखकर ध्रुव भी मुस्कुराते हुए सीधे अंदर जाने लगा। वो इस बात से काफी खुश था कि कम से कम सैनिकों ने तो उसे इस बार परेशान नहीं किया, जिससे उसकी काफी मेहनत बच गई। इसके बाद ध्रुव चलते चलते उस से हॉल के अंदर पहुंचा जहाँ ढेर सारे कमरे बने हुए थे। फिर ध्रुव ने एक पल रुककर हकीम लोका का बताया कमरा याद किया, जिसके बाद उस कमरे की तरफ जाने लगा। फिर जैसे ही ध्रुव हकीम लोका के कमरे के सामने पहुंचा तो उसने वहां का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद उसे अंदर से हकीम लोका की आवाज सुनाई थी, अंदर आ जाओ। उस आवाज को सुनकर ध्रुव ने तुरंत वो दरवाजा खोला और वो सीधे उस कमरे के अंदर चला गया। फिर अंदर जाते ध्रुव ने देखा कि वहां इस वक्त सिर्फ हकीम लुका ही दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने ध्रुव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ ध्रुव आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वही हकीम लुका की मुस्कुराहट देखकर ध्रुव के उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसके पास ही रखी कुर्सी पर बैठते हुए धीमी आवाज में हकीम लुका से कहा, मैं कोई बेमतलब की बात करके आपका कीमती वक्त जाया नहीं करूंगा हकीम लुका, बल्कि मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। क्या आप मुझे कल शुरू होने वाले हकीम कॉम्पिटिशन के बारे में बता सकते हैं? मेरा मतलब कि वो कैसे होता है? कोई मौसी जन्म से नंबर से तो नहीं होता ये सब। मौसी जन्म से नंबर से इस पर हकीम लोका ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, ए और साइकिल ले थी तू इस कॉम्पिटिशन में मैग भी लेने दा आवाज से साइकिल लेने थी तू मौसी जन्म मुकाबले किए ही नहीं जा सकते क्योंकि उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। जो हकीम आखिर के राउंड तक बचेंगे वही सबसे अच्छे और काबिल हकीम होंगे, और उन बचे हुए काबिल हकीमों में से जो सबसे अच्छा होगा वही बनेगा इस हकीम कॉम्पिटिशन का विजेता। और हकीम लुका की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि आखिर वो कॉम्पिटिशन कैसे होने वाला था। इसके साथ ही उसके दिमाग में ढेर सारे हकीम आने लगे जो बहुत सी कड़ाइयों के सामने एक साथ खड़े होकर आग जला रहे थे और दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी हकीम लुका ने ध्रुव को ख्यालों में खोते थे उससे मुस्कुराते हुए आगे कहा, क्या हुआ ध्रुव, हकीमों की कड़ाइयों के ख्याल में खो गए क्या? वैसे तुम्हें इस बात से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे याद है जब मैंने हकीम कॉम्पिटिशन में पहली बार हिस्सा लिया था तो मैं भी काफी घबरा रहा था, इसलिए तुम्हारा थोड़ा बहुत घबराना तो लाजमी है। वैसे मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज है, लेकिन इसके बारे में किसी को गलती से भी मत बताना, क्योंकि ये अंदर की बात है इसलिए बाहर नहीं जा सकती। इतना कहकर हकीम लोका ने पास ही रखा एक कागज का टुकड़ा ध्रुव के हाथों में थमा दिया। फिर उन्होंने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, ये खास लिस्ट है ध्रुव, इसमें सभी काबिल और ताकतवर हकीमों के नाम लिखे हुए हैं जो कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं।
तुम चाहो तो इस पर एक नजर मार सकते हो, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी इस बारे में कुछ मत बताना। महिंद्र ने जैसे वो कागज अपने हाथों में लिया तो उसने बिना देर किए उसे खोल कर पढ़ना शुरू किया। तभी ध्रुव ने देखा कि उसे इसमें कम से कम 20 से 30 लोग थे जो काफी ताकतवर माने जा सकते थे। तभी ध्रुव को एक नाम ऐसा दिखा जिसे देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखने लगी। वो नाम था रेहान का, जिससे ध्रुव ज़ियान महल में मिला था। ध्रुव ने देखा कि वो नाम काफी ऊपर लिखा हुआ था, जिससे उसे समझ आ गया कि हकीम शांडल का शिष्य सच में काफी ताकतवर था। तभी ध्रुव की नजर 5वें रैंक पर लिखे नाम पर गई और उसने हकीम लुका से सवाल किया। हकीम लुका, ये 5वें रैंक पर जो राजकुमारी का नाम लिखा हुआ है, ये वही राजघराने की राजकुमारी है ना? इस पर हकीम लुका ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ ये वही है, क्या तुमने उसे देखा है? और हकीम लुका का सवाल सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसके रैंक पर थोड़ी हैरानी जताई। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले उसे दरवाजे से अंदर आते हुए देखा था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसका रैंक इतना ऊपर होगा। वहीं ध्रुव की बात सुनकर हकीम लुका ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया,